बीते दिन जब राहुल वैद्य ने जैस्मीन भसीन से ये कहा कि इंजरी हो जाएगी, बैग छोड़ दो, ये बात जैस्मीन को इतनी बुरी लगी कि वो पूरे तरीके से टूट गई। जैस्मीन रोने लगी और रोते रोते जैस्मीन ने कहा, क्यों लड़कों को ये लगता है कि लड़कियां फिजिकली कमजोर हैं तो कुछ भी करो। वेल, जैस्मीन के ऐसा कहते ही हम ये समझ गए थे कि जैस्मीन के जो जज्बात उमड़े हैं, ये सिर्फ राहुल से जुड़े नहीं बल्कि उनके अतीत से भी जुड़े हैं। इसी के चलते हमने जैस्मीन भसीन के अतीत को खंगाला। वो कहते हैं ना कि कोई भी जिस तरीके से रिएक्ट करता है उसके पीछे उसका अतीत जरूर जुड़ा होता है, और जैस्मीन का भी कुछ ऐसा ही अतीत है। दरअसल जैस्मीन जब टीन एज में थी, तब जैस्मीन के ही एक रिश्तेदार ने अपने जोर के दम पर जैस्मीन को असॉल्ट करने की कोशिश की थी। उसकी इन कोशिशों ने जैस्मीन को अंदर से तोड़ दिया था। जैस्मीन का रिश्तों पर से भरोसा उठ गया था। जैस्मीन कई सालों तक डर के मारे किसी को कुछ कह नहीं पाई थी, क्योंकि उन्हें लगा था कि उनके रिश्तेदार उन्हें ही जज करेंगे, उनकी ही गलती निकालेंगे। हालांकि बाद में जैस्मीन ने अपनी आप बीती अपनी मॉम को बताई और मॉम डैड की तरफ से जैस्मीन को पूरा सपोर्ट मिला। इसके अलावा जैस्मीन भसीन जब लोखंडवाला में शॉपिंग करने के लिए जाती थी, तब भी दो लड़के जैस्मीन का पीछा करते थे। इतना ही नहीं, जैस्मीन भसीन डिप्रेशन तक में आ गई थी। इसी के चलते बीते दिन जब राहुल वैद्य ने ये कहा कि इंजरी हो जाएगी, बैग छोड़ दो, जैस्मीन को ये लगा कि वो लड़का है, फिजिकली स्ट्रॉन्ग है तो मुझे इंजरी की धमकी दे रहा है, और जैस्मीन के पुराने सभी जज्बात इस एक बात से इस तरीके से उमड़े। उसने बीते दिन #WeAreWithJasmine का ट्रेंड करवा कर ये बता दिया कि जैस्मीन अकेली बिल्कुल भी नहीं है। यकीनन जैस्मीन जब बाहर आएंगी तो उन्हें ये ट्रेंड देखकर बहुत अच्छा लगेगा। फाइनल कट, न्यूज़ डेस्क।